हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राम उमाड़े चैनल। हम पढ़ रहे प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी क्लास टेंथ का। ओके सो देखो, अभी बहुत ये जो एग्जांपल बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से देखो। द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5। ओके, या द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स मीन्स टू ट्राइंगल्स है आपके पास, उसकी जो साइड से वो 3:5 है। देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरिया, उस ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है आपको। ओके सो देखो, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स बी S1 एंड S2। S1 एंड S2 डिनोटेड बाय साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। लेट देयर रिस्पेक्टिव एरिया बी A1 एंड A2। उसका एरिया जो है वो डिनोट किया है A1 एंड A2, फर्स्ट ट्राइंगल्स का A1 एंड सेकेंड ट्राइंगल्स का A2। ओके सो टू ट्राइंगल्स की जो साइड है वो रेशो में लिखेंगे हम अभी S1:S2 कितना है 3:5। ओके, आप इसको डिवाइडेड में लिखेंगे S1/S2 इक्वल टू 3/5। अब द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स मीन्स टू ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर है। ओके, देन देयर एरिया क्या है A1/A2, देन देयर साइड्स क्या है S1/S2। ओके, देयर साइड्स क्या है S1/S2। इसका रीजन है थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, अब इसका स्क्वेयर करेंगे हम A1/A2 इक्वल टू S1/S2। स्क्वेयर करने के बाद उसको सेपरेट स्क्वेयर में डालो, ऐसे S1/S2 मीन्स ब्रैकेट का स्क्वेयर, जो स्क्वेयर है वो हमने बाहर लिखा है। ओके, अब उसका एरिया फाइंड करना है आपको, मींस A1 एंड A2 फाइंड करना है। सो S1 मीन्स जो फर्स्ट दिया हुआ है रेशो आपके पास 3 एंड सेकंड जो है वो 5 है, एंड देन उसका होल स्क्वेयर है। अब होल स्क्वेयर करने के बाद उसका एरिया फाइंड होगा, क्योंकि 3 का स्क्वेयर जो है 9 एंड 5 का स्क्वेयर जो है वो 25। देन देयर रेशो, एरिया ऑफ रेशो A1/A2 इक्वल टू 9:25। ये हुआ टू ट्राइंगल्स का रेशो। फाइंड द रेशो ऑफ देयर्स एरिया। ओके, मतलब टू ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना था, उसका रेशो फाइंड करना था। फर्स्ट ट्राइंगल्स का एरिया A1 है एंड सेकंड ट्राइंगल्स का एरिया A2 है। सो आपको फाइंड करना है A1 A2। सो A1 A2 इक्वल टू 9:25। ओके, S1 S2 डिनोटेड बाय साइड्स, फर्स्ट ट्राइंगल साइड, सेकंड ट्राइंगल साइड, एंड A1 एंड A2 डिनोटेड बाय एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल्स एंड सेकंड ट्राइंगल्स। सो उसका आपको एरिया फाइंड करना था। सो इसका एरिया फाइंड हुआ 9:25। द रेशो ऑफ एरिया ऑफ देयरफॉर द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 9:25। सो 9:25 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकंड एंड देन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स वाले दोनों एग्जाम्पल ईजी है। ओके, सिर्फ आपको उसका रेशियो फाइंड करना है एरिया का। सो देखो, जो फर्स्ट सेकंड जो एग्जाम्पल है, इफ एरिया ऑफ ABC सिमिलर ट्राइंगल्स PQR, मतलब आपके पास टू ट्राइंगल्स है, उसकी जो साइड है AB:PQ 2/3 है, देन फिल इन द ब्लैंक्स है। सो फिल इन द ब्लैंक्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ABC/AB:PQR करते हैं, क्योंकि टू ट्राइंगल्स का एरिया रेशियो में ऐसे लिखते हैं अपॉन में। देन जो इसका AB स्क्वेयर है फर्स्ट साइड का, सो इसको PQ स्क्वेयर लिखना होगा आपको।
देन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर ए बी स्क्वेयर ए बी इक्वल टू टू एंड पी क्यू इक्वल टू थ्री. ओके सो इसका स्क्वेयर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर इक्वल टू टू स्क्वेयर फोर एंड थ्री स्क्वेयर नाइन. सो ये होगा फोर अपॉन नाइन. फर्स्ट आंसर जो हुआ आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, सो आपको ऐसे लिखना होगा जो टेबल है वो फिल इन द ब्लैंक्स के ब्रैकेट जो है छोटे छोटे उसमें आपको ये लिखना है. देन देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ पे भी टू ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है. ए बी सी का जो रेशो एरिया है वो 80 है एंड पी क्यू आर का एरिया 125 है. ओके एज इट इज, जैसे टू ट्रायंगल्स आपको रेशो फॉर्म में लिखा है वैसे यहाँ पे भी लिखना है आपको. सो देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर. ओके अब ए बी सी का जो रेशो है सॉरी जो एरिया है वो है आपके पास 80 एंड पी क्यू आर का जो है वो है आपके पास 125. ओके 125. अब आपको ए बी एंड पी क्यू फाइंड करने के लिए बोला है, ए बी एंड पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू. ओके सो अभी ये सॉल्व करेंगे हम. फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर. सो 80 को हम क्या करेंगे 60 से डिवाइडेड करेंगे. सो 60 ज़ा 80 एंड 525 ज़ा 125 मीन्स 25. ओके सो अब आपको ए बी एंड पी क्यू बोला है, सो ए बी एंड पी क्यू का स्क्वेयर करके लिखेंगे हम. मीन्स ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर इक्वल टू 16/25 टेकिंग स्क्वेयर रूट. अब इसका हम क्या करेंगे ऑन बोथ साइड का स्क्वेयर रूट निकालेंगे. सो ए बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट सिर्फ ए बी फॉर्म में लिखना होगा एंड पी क्यू स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट सिर्फ पी क्यू आएगा. देन 16 का स्क्वेयर रूट 4 एंड 25 का स्क्वेयर रूट 5, 4/5. सो आपको ए बी एंड पी क्यू फाइंड हुआ 4/5. यहाँ पे 4/9 इसका एरिया और यहाँ पे साइड. देन फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे साइड फाइंड किया है, यहाँ पे ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड किया है. एग्जांपल नंबर ए सेकंड है और एग्जांपल नंबर ए थर्ड है, दोनों एग्जांपल इजी है. यहाँ पे साइड थी आपके पास, आपने एरिया निकाला. यहाँ पे आपके पास एरिया है, आपने साइड निकाली. एरिया के लिए इसका ए बी स्क्वेयर किया, सो यहाँ पे एरिया था, यहाँ पे साइड फाइंड हुई. ओके एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर थर्ड. अब देखेंगे एग्जांपल नंबर फोर्थ एज इट इज एग्जांपल. ओके एग्जांपल नंबर फोर्थ है आपके पास ट्रायंगल्स एरिया मीन सिमिलर ट्रायंगल्स पी क्यू आर 9 मल्टीपल बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर इक्वल टू 16 मल्टीपल बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एल एम एन. इफ क्यू आर आपके पास 20 है सो एम एन आपको फाइंड करना है. ओके सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल्स एल एम एन एंड ट्रायंगल्स पी क्यू आर. ओके सो 9 मल्टीपल बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर इक्वल टू 16 मल्टीपल बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यल यम यन. ओके देन अभी ये जो मल्टीप्लाई में है इसको ये भी मल्टीप्लाई में सब एक एक हम क्या करेंगे डिवाइडेड में लिखेंगे. जो 16 है वो 9 को डिवाइडेड में लाओ. फर्स्ट 16 9 को डिवाइडेड में लाया, सो पी क्यू आर यल यम यन को डिवाइडेड में लेके जाओ. यल यम यन को पी क्यू आर डिवाइडेड में लेके जाएंगे हम. ओके 9/16 इक्वल टू एल एम एन अपॉन पी क्यू आर. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एल एम एन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर इक्वल टू एम एन स्क्वेयर अपॉन क्यू आर स्क्वेयर.
अब ये जो है वो एक थ्योरम है आपके पास, कौन सा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल से उसके जो बाजू है नेक्स्ट वाले आपने उसका स्क्वायर किया है, क्योंकि आपको एम एन फाइंड करना है ना, क्यू आर आपके पास है, इसलिए ये टू साइड्स ले आए जो होंगे वो साइड्स का आपको स्क्वायर करना है। ओके सो अभी देखो यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, क्योंकि एल एम एन अपॉन पी क्यू आर की यहाँ पे 9/16 जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम एन स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। सो आपने लिखा 9/16 इक्वल टू एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर फ्रॉम वन से, क्योंकि वन में क्या है दोनों का एरिया 9/16 है। सो अभी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बी डॉट एस बोथ साइड, सो 9 का स्क्वायर हुआ 3 एंड 16 का हुआ 4, एम एन स्क्वायर सिर्फ एम एन एंड क्यू आर स्क्वायर सिर्फ क्यू आर। ओके सो देयरफॉर एम एन अपॉन क्यू आर इक्वल टू 3/4। अब एम एन फाइंड करना है, क्यू आर आपके पास है 20, सो लिखो यहाँ पे ये हुआ एम एन, क्यू आर है आपके पास 20 और राइट साइड में 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फॉर्म यम यम एन को मल्टीप्लाई में लाओ और 23 को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। ओके अब जो फोर्थ है वो और डिवाइडेड में जाएगा, सो यम एन इक्वल टू 3/20/4। ओके अब फोर से 20 को डिवाइड करो, 4 5 20, सो 5 देन 3/5 इक्वल टू 15, एम एन इक्वल टू 15। ओके ये हुआ आपका फाइनल आंसर, एग्जाम्पल नंबर 4 था आपका, जहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल से उसका एरिया था, एक साइड क्यू आर दिया हुआ है, एम एन आपको फाइंड करनी थी। सो यहाँ पे सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक थ्योरम अप्लाई किया, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, वहाँ पे कौन सी भी टू साइड का स्क्वायर आपको करना है, बट जो आपको क्वेश्चन में दिया था क्यू आर है एम एन, इसलिए ये यहाँ पे क्यू आर एंड एम एन था दो साइड, इसलिए ये टू साइड्स का ही मैंने स्क्वायर किया है। सपोज पी क्यू एल एम था तो इस एल एम एंड पी क्यू का स्क्वायर करता था। ओके सो स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे 9/60 पुट अप किया, स्क्वायर रूट निकाला, वो आएगा आपका 3/4, देन आपके पास क्यू आर की वैल्यू थी क्वेश्चन में, इसलिए क्यू आर की जगह 20 सब्स्टिट्यूशन किया, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका एम एन इक्वल टू 15 आ गया। ओके एग्जाम्पल ईजी है, एग्जाम्पल नंबर 5th, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपके पास टू सिमिलर ट्राइंगल्स है, उसका जो एरिया है फर्स्ट ट्राइंगल्स का एरिया 225 है एंड सेकंड ट्राइंगल्स का एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, स्मॉलर ट्राइंगल्स की जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द बिगर ट्राइंगल्स का, आपको साइड फाइंड करनी है बिगर ट्राइंगल्स की। ओके सो देखो अभी जो बिगर ट्रायंगल से उसका एरिया A1 इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो स्मॉलर ट्रायंगल से A2 उसका 81 स्क्वायर सेंटीमीटर से एरिया। अब स्मॉलर ट्रायंगल्स की साइड 12 सेंटीमीटर है, स्मॉलर ट्रायंगल्स की मतलब वो उसको आपको S2 डिनोट करना होगा और फाइंड करना है आपको S1, फाइंड करना है आपको S1। ओके अभी यहाँ पे टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर है, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो उसका एक थ्योरम है कौन सा, therefore by theorem of area of
सिमिलर ट्रायंगल्स। अब उसका जो एरिया है वो डिवाइडेड में लिखो आप, मींस देखो यहाँ पे टू ट्रायंगल्स है आपके पास, एक स्मॉलर ट्रायंगल से एक बिगर ट्रायंगल से उसका एरिया दिया हुआ है और आपको बिगर ट्रायंगल्स की साइड फाइंड करनी है। ओके, सो उसकी जो साइड है वो प्रोपोर्शन में लिखो, A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 अपॉन S2। ओके, अब उसका स्क्वेयर, क्योंकि साइड्स का स्क्वेयर करते हैं हम बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का स्क्वेयर करते हैं, इसलिए उसका स्क्वेयर S1 स्क्वेयर अपॉन S2 स्क्वेयर, या फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो A1 अपॉन A2। ओके, एक मिनट, A1 कितना है आपके पास 225, A2 कितना है आपके पास 81, S1 स्क्वेयर फाइंड करना है, S2 स्क्वेयर मीन्स 12 स्क्वेयर, ये यहाँ पे S2 मीन्स 12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप, 81 मल्टीपल बाय S1 स्क्वेयर इक्वल टू 12 मल्टीपल बाय 225। ओके, S1 फाइंड करना है सो 81 राइट साइड में लेके जाओ, सो 12 मल्टीपल बाय 225 देन डिवाइडेड बाय 81, 12 स्क्वेयर है सॉरी 81। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी आप कर सकते हो, आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद S1 स्क्वेयर का स्क्वेयर जाएगा, सिर्फ S1 बाकी है, ये स्क्वेयर जाएगा मतलब टू गेट कैंसल, सो ओनली 12, 225 किसका स्क्वेयर है 15 का एंड 81 किसका स्क्वेयर है 9 का। ओके, सो अभी आप उसको डिनोट कर सकते, सॉरी डिवाइड कर करो, 3 3 9, 3 4 12, देन 4 multiplied by 15 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो S1 इक्वल टू, अब और एक बार आप डिवाइड कर सकते हो कैसे, 3 5 15, सो 4 multiplied by 5 इक्वल टू 20, सो therefore S1 इक्वल टू 20, ये होगा आपके पास S1 इक्वल टू 20। The corresponding side of bigger triangles is 20. Okay. सो एग्जाम्पल नंबर 5 था आपके पास टू ट्रायंगल्स थे, एक बिगर ट्रायंगल से एक स्मॉलर ट्रायंगल से, बिगर ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है एंड जो स्मॉलर ट्रायंगल से उसका जो एरिया है वो 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ओके, अब जो साइड थी बिगर ट्रायंगल्स की, जो साइड थी सॉरी स्मॉलर ट्रायंगल्स की साइड आपके पास 12 सेंटीमीटर और बिगर ट्रायंगल्स की साइड आपको फाइंड करनी थी। ओके, सो A1 A2 साइड और यहाँ पे थ्योरम यूज़ करने के बाद आपको साइड्स प्रोपोर्शन में लिखने के बाद टू साइड्स का स्क्वेयर करती है, सो S1 S2 का स्क्वेयर करने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा कैलकुलेट किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, देन आपको फाइंड हुआ S1 इक्वल टू 20, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल्स इज 20। ओके, सो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4, ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल्स DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ओके, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEF इक्वल टू 1:2, मतलब ABC का एरिया 1 है एंड DEF का एरिया 2 है, साइड AB का 4th एंड DE की फाइंड करना है, ऐसा एग्जांपल आपका हुआ है। ओके, सो सॉल्यूशन में लिखेंगे ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल्स DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल्स ट्रायंगल्स। ओके, अब इसकी जो, इससे क्या होगा, दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC सिमिलर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEF। ओके, उसको रेशियो के फॉर्म में लिखो,
एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स डीईएफ इक्वल टू उसका साइड्स का स्क्वायर मींस एबी का स्क्वायर फर्स्ट साइड जो है उसका एबी इसका डीई स्क्वायर कौन सा थ्योरम है यहाँ पे बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ओके। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करो एबीसी कितना है आपके पास उसका रेशियो है फर्स्ट वन एंड डीईएफ का रेशियो है टू ओके। एबी स्क्वायर है अपने पास फोर सो यहाँ पे फोर का स्क्वायर करेंगे हम और डीई आपको फाइंड करना है सो डीई स्क्वायर एज इट इज रहेगा सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो वन मल्टीपल बाय डी स्क्वायर इक्वल टू टू मल्टीपल बाय फोर स्क्वायर ये हुआ डी स्क्वायर फोर का स्क्वायर 16 ओके। अब यहाँ पे क्या करो टेकिंग स्क्वायर रूट करो बोथ साइड का टेकिंग स्क्वायर रूट बाय बोथ साइड्स ओके। सो डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिर्फ डी ही रहेगा टू स्क्वायर रूट में जाएगा एंड 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4 मींस डी ई इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2 ये होगा आपका फाइनल आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका ओके। एबीसी एंड डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इफ एबीसी एंड डीईएफ का रेशियो है 1:2 एबी की साइड 4 थी आपको डीईएफ फाइंड करना था इसलिए जो क्वेश्चन में एज इट इज मैंने आंसर में लिखा एबीसी एंड डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सो इससे वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है ट्रायंगल्स एबीसी सिमिलर ट्रायंगल्स डीईएफ सो अपने पास एक थ्योरम है सिमिलर ट्रायंगल्स का उसमें दोनों ट्रायंगल्स डिवाइडेड लिखने के बाद उसका साइड्स का स्क्वायर होता है ओके। सो साइड्स का स्क्वायर सो उसका एरिया 1/2 ए बी का जो साइड है फोर्थ एंड डी ए की नहीं है डी ए की फाइंड करने ओके। देन वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपका डी ई इक्वल टू 4√2 ये आ गया है ये साइड। सो आप ये एग्जांपल देखो इजी एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऐसा एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करो ओके। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू।